मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्री तूफान जो मोका बनने वाला है उसके बारे में और अगले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत में किस तरह का वेदर रहने वाला है। तो आपने देखा होगा कि कल 4 मई थी तो जो बारिश की गतिविधियां थी लगभग नदारद थी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली NCR था यहाँ पर बारिश नहीं हुई। हालांकि बादल छाए रहे और ऐसा लगा बीच बीच में कि हाँ बादल गरजेंगे बरसेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और तापमान बढ़ने लगे। और जो दिल्ली में हमने देखा कि कल 4 मई को जो 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 40 सालों में मई के महीने में सबसे ज़्यादा कम तापमान था और वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा नीचे था। और अभी भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर इस समय होना चाहिए वो दिल्ली में 39 होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 36, 37 और 38 डिग्री के हिसाब से पंजाब के उत्तरी भागों में और 38, 39 और 40 डिग्री के हिसाब से राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में होना चाहिए तापमान। लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33, 34 डिग्री के आसपास बने हुए हैं ज़्यादातर इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों और गुजरात में थोड़े से ज़्यादा हैं। और कुल मिलाकर के पूरे भारत में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है और गर्मी अभी तक नहीं आई है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं कि मई का महीना इतना ज़्यादा ठंडा निकल रहा है और अप्रैल का महीना आपने देखा ही था कि अपेक्षाकृत ठंडा निकला। लेकिन अब क्या होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो कमजोर होने लग जाएंगे। अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एज अ वेस्टर्न डिस्टरबेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी तेज बारिश कई इलाकों में हो सकती है और जो ऊंचे पहाड़ हैं वहां पर हिमपात हो सकता है। जैसे कि केदारनाथ में यात्रा रोक दी गई थी, जो हिमपात था उसके कारण लगातार बर्फबारी हो रही थी जिससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। और इसीलिए क्या होता है कि 25 अप्रैल को और 27 अप्रैल के आसपास केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब जो चार धाम यात्रा होती है इनके कपाट खुलते हैं, क्योंकि उस समय लोग वहाँ पर जाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं मौसम अनुकूल होने लग जाता है। लेकिन इस बार जैसे हमने देखा कि बारिश अपेक्षाकृत ज़्यादा हुई है और जिससे कि तापमान नीचे बने हुए हैं, तो ये अनसीजनल रेन देखने को मिली है जो क्लाइमेट चेंज का असर है। लेकिन अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये अगले 24 घंटों तक यहाँ बारिश देगा, हिमपात भी देगा, उसके बाद वेदर यहाँ से क्लियर होने लग जाएगा क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 7 तारीख के बाद से हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत का मौसम साफ होने लग जाएगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है इसके प्रभाव से अभी पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज कल बारिश हो सकती है। परसों 7 तारीख को भी छुटपुट बौछारें देखने को मिल सकती हैं। जो प्रभावित होने वाले जिले होंगे वो पंजाब के लगभग हर जिला होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि पठानकोट, गुरदासपुर से लेकर के जलंधर, पटियाला, लुधियाना, मोगा और तरन तारण, अबोहर, फजलिका, बठिंडा, ये सारे इलाके प्रभावित हो सकते हैं। और उसी तरह से जो पश्चिमी हरियाणा है वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वेदर एक्टिविटी होगी, जैसे कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और नारनौल वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इन इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी या बौछारें देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली NCR में भी गरज चमक के साथ बादल की गरज चमक हो सकती है और एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि जो गर्मी एक बार बढ़ने लगी थी एक बार फिर थोड़ी सी थम सकती है क्योंकि ये जो वेदर एक्टिविटी है ये अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है। उसी तरह से अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, चुरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं ये बारिश देख सकते हैं। बाकी जो इलाके हैं वो लगभग गर्म रहेंगे और अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। अगर हम देखें तो जो प्रभावित होने वाले इलाके हैं उनका अगर हम देखा जाए तो ये जो इलाका है यानी कि पूरा ये पाकिस्तान का इलाका हो गया, यहाँ से लेकर के ये सब इलाके हैं, ये सारे जो एरिया है इन सब इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। आप कह सकते देख सकते हैं कि उत्तरी हरियाणा है और उत्तर पूर्वी ये राजस्थान है, हरियाणा के ज़्यादातर इलाके हैं, पंजाब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली NCR है, इन इलाकों में बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। और जो ये 2 दिनों की बारिश है उसके बाद फिर से मौसम इस इलाके का हम कह सकते हैं कि साफ होने लग जाएगा। तो ये जो मौसम जब साफ होने लगेगा तो आपको मालूम है कि जब भी मौसम साफ होने लग जाता है तो गर्मी बढ़ने लग जाएगी, तो ये वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हट जाएगी। तो तापमान जो है हम कह सकते हैं कि 10 तारीख तक
ये 37-38 डिग्री का जो आंकड़ा है वो छू जाएगा, यानी कि सामान्य से थोड़े से कम रहेंगे लेकिन गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये अब जो इतनी जो अनसीजनल रेन पूरे भारत में हो रही थी वो अब धीरे धीरे हटने वाली है। 7 तारीख से इस इलाके के जो टेम्परेचर बढ़ेंगे, और अगर हम उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों की बात करें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो इन इलाकों में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो कोस्टल उड़ीसा है, पूरी केंद्रपाड़ा और बारीपाड़ा हो गया और पारादीप है, भुवनेश्वर है, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिलेंगी, ज़्यादा तेज बारिश नहीं दिखाई देगी। और अब क्या होगा कि मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर इलाके अब शुष्क होने वाले हैं, राजस्थान और गुजरात के भी इलाके पूरी तरह सूख जाएंगे और तेज़ गर्मी होगी, तेज़ धूप होगी, और जो अभी तक गर्मी नहीं पड़ी थी वो अब फिर से दिखाई देने लग जाएगी। ये तो बात हुई हमारे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत की, लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना कम है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ बौछारें दिखाई देंगी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हैं, और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट बारिश की गतिविधियां, यानी ये पूरा पूर्वोत्तर राज्य हल्की फुल्की बारिश देखेगा। और अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र में भी अब मौसम लगभग शुष्क हो चला है, लेकिन पिछले 24 घंटों हमने देखा कि विदर्भ वगैरह में बारिश हुई है। अभी भी विदर्भ और मराठवाड़ा में एक दो स्थानों पर गरज चमक हो सकती है, बादल गरज सकते हैं, बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं दक्षिणी कर्नाटक और उसके आसपास के इलाकों में, एक तरफ रेखा आ रही है, तो अब क्या होगा, मध्य महाराष्ट्र में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, ये जो इलाके हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पर हल्की बौछारें या मेघ गर्जना हो सकती है, एक दो स्थानों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। लेकिन मुंबई, थाने, धानु, रायगढ़, अलीबाग, ये जो इलाके हैं ये शुष्क रहेंगे। और ये इसी तरह से इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ जो तेलंगाना के कुछ भाग हैं, तमिलनाडु है, रायलसीमा है और साउथ केरल है, इस इलाके में बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन कोस्टल कर्नाटका जैसे बेलगावी, होनावर, कारवार, मैंगलोर, ये इलाके शुष्क रहने वाले हैं। और उसी तरह से चेन्नई वगैरह के इलाके में भी, यानी जो कोस्टल तमिलनाडु है, यहाँ पर भी बहुत हल्की बारिश, छुटपुट बौछारें ही देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो हुआ पूरे भारत का अपडेट। अब देखते हैं कि जो साइक्लोन बनने वाला है, जो साइक्लोन मोका बनने वाला है, उसके बारे में क्या अपडेट है। अभी तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बना, और ये हमें उम्मीद है कल तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, और उसी समय शाम तक एक लो प्रेशर एरिया, जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, हवाएं घूमने लगती हैं, तो हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो जो सरफेस पे है वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, क्योंकि हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है, और वो लो प्रेशर एरिया बनेगा ये साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, और उसके बाद ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। डिप्रेशन ये 8 तारीख तक ही बन सकता है, और 7 या 8 तारीख तक डिप्रेशन भी बन जाएगा, डीप डिप्रेशन 8 तारीख को बन जाएगा, और हो सकता है कि 8 तारीख की रात या 9 तारीख को ये साइक्लोन मोका बन जाए। और ये अभी जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं कि भारत के जो पूर्वी तट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इसके बारे में हम एक ट्विटर स्पेस करेंगे 7:30 बजे आज शाम को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्काईमेट का जो ट्विटर हैंडल है उसमें आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो ट्विटर हैंडल है @mpalawat, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उड़ीसा वेदरमैन भी इसमें जुड़ेंगे। तो ये जो साइक्लोन है ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसी दिखाई दे रही है कि या तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिजोरम वगैरह को प्रभावित करता हुआ म्यांमार की तरफ जाएगा। पश्चिम बंगाल के गंगे इलाकों में भी हल्का फुल्का इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी क्योंकि ट्रैक पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये जो जो साइक्लोन है उसका जो ट्रैक है वो हम एक तरह से मान के चलिए कि इस जगह से जाएगा, ये यहाँ से जैसे अगर इस तरह से जाता है, कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रैक इस तरह से चला जाता है, और ये यूजुअल ट्रैक होता है कि नॉर्थ वेस्ट में जाता है उसके बाद फिर टर्न करता है। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगला सीजन जब आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तब जो ट्रैक होता है वो उसका पश्चिमी ट्रैक हो जाता है। तो जब उस समय जब साइक्लोन बनते हैं तो वो इस तरह से जाना शुरू होते हैं, कभी कभी आंध्र प्रदेश की तरफ, और कभी कभी ये क्या होता है कि सीधे तमिलनाडु या चेन्नई की तरफ पहुंच जाते हैं। और इस तरह से ये जैसे हमने देखा था कि कुछ जो सर्दियों में जो तूफान आते हैं वो जितने मतलब आगे हम बढ़ते जाते हैं साल में उतना उनका ट्रैक नीचे की तरफ होता जाता है, लेकिन अप्रैल मई में और जून के शुरुआती दौर में जो भी समुद्री तूफान बनते हैं उनका ट्रैक पहले उत्तर पश्चिमी दिशा से होता है, और फिर कभी कभी वो जो भारत के तट के साथ साथ रिकर्व करते हैं और उसको टच करते हुए या उसके बहुत नज़दीक से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास होते हुए कभी कभी गंगे पश्चिम बंगाल में, कभी बांग्लादेश में घुस जाते हैं। तो ये जो साइक्लोन है इसका
ट्रैक ऐसा लग रहा है अभी तक कि ये इस इधर नहीं आएगा, ना तो तमिलनाडु में आएगा, ना आंध्र प्रदेश में आएगा, ना उड़ीसा में, और गंगे पश्चिम बंगाल में भी चांसेस कम है। बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत इसमें कुछ फेरबदल होता है तो वो ट्रैक इस तरह से भी जा सकता है, यानी कि ये मिजोरम, त्रिपुरा और गंगे पश्चिम बंगाल को छू सकता है। लेकिन इसके बारे में हम लगातार नजर रखे हुए हैं, जो स्टेयरिंग करंट है वो कैसे रहेंगे, और ये क्या है कि बहुत ज्यादा सीवियर साइक्लोन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जो इसका ट्रैक दिखाई दे रहा है, जो मॉडल दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत तेजी से इसको मूव करा रहे हैं। जब कोई साइक्लोन जब बन जाता है उसके बाद अगर 4 या 5 दिन या 6 दिन समुद्र में रहता है, उसको एनर्जी मिलती है, तब जाकर के वो स्ट्रांग होता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता है। लेकिन ये इस तरह के जो साइक्लोन होते हैं उसमें पोटेंशियल होता है जान और माल की हानि करने का, तो इसीलिए उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट है वो अलर्ट पर है, और आप भी अपना ध्यान रखिए और लगातार हमारे अपडेट और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाए रखिए, और जैसे ही कुछ भी इसमें फेरबदल होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।